कि मैंने कहा ना तुमसे मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। हाँ हाँ, दिल्ली वाली मीटिंग भी। मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। अजीब मुसीबत है, पैसा कम हो तो गरीबी परेशान करती है और जब पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो इनकम टैक्स वाले साथ आते हैं। ये तो अच्छा हुआ मुझे पता चला कि रेड पड़ने वाली है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ हाँ, कैसे भी करके सारा पैसा मुझे घर से बाहर लेके जाना है और उसके बाद मैं शहर से कहीं दूर छुट्टियां मनाने चला जाऊंगा। ठीक है, मैं बाद में तुमसे बात करता हूं। पैसा तो सारा ठीक ठाक ही लग रहा है। अरे ये लाइट कैसे चली गई? ऐसे तो कभी जाती नहीं है लाइट। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? तुम तो एक लेखक हो ना, जानते ही होगे कि कोई किसी की जान क्यों लेता है। जान लेने की तीन ही वजह होती है, पैसा, प्यार और बदला। मुझे तुमसे बदला लेना है। कैसा बदला? मैं तो तुमको जानता तक नहीं। तुम मुझे नहीं जानते मगर अंकुश को तो जानते ही होगे ना। अंकुश? अंकुश अनंत, वो मेरे दिल के बहुत करीब था। तुमने उसकी जान ली, अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। अंकुश अनंत की मौत का बदला? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मुझे निकालो यहाँ से। अरे बचाओ, कोई है? अरे कोई बचाओ। कोई नहीं बचाएगा अब तुम्हें। जिस तरह तुमने अंकुश अनंत को तड़पा तड़पा के मारा था, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये क्या है? चाकू? ये क्या किया मैंने? फोटो खींचने के चक्कर में अपनी उंगलियों के निशान चाकू पे छोड़ दिए। अभी बाहर के पब्लिक फोन से सीआईडी को फोन कर देती हूँ। बड़ी बेरहमी से मारा है इसे, गला तो पूरा चीर के रखा है। देखने से लगता है कि खूनी के दिल में इसके लिए बहुत नफरत थी। बदला लेने के लिए किया गया खून है ये, पर ये देखो एक पैसे को हाथ नहीं लगाया, एक पैसे को भी। सर ये देखिए, ये चाकू वहां बेड के पास पड़ा हुआ था। सर चाकू पे तो जरा भी खून नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल साफ है। श्रेया, स्प्रे मार के देखो जरा। सर सर ये देखिए, इसका मतलब खून इस चाकू से ही किया गया है। रंग बदल गया मतलब चाकू पर खून है।
खून इसी चाकू से किया गया है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, खूनी ने चाकू को साफ करके यहीं क्यों छोड़ दिया? वो इसे अपने साथ भी तो ले जा सकता था। बिल्कुल, चाकू यहीं पर छोड़ के क्यों गया वो, और वो भी साफ करके? कोई ना कोई तो वजह जरूर है। सर लगोड़िया जी का मैनेजर आ गया। आ गया? जी सर। ठीक है सचिन, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का बंदोबस्त करो। अच्छा, इस मैनेजर से मिलता हूँ। सर ये सब कैसे हो गया सर? मुझे यकीन नहीं हो रहा सर। सर कल रात को ही तो मेरी दगोड़िया सर से फोन पे बात हुई थी, तब तो सब ठीक था। दगोड़िया जी का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था? कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, जहां तक मुझे याद है ऐसा कभी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। एक लड़की ने हमें फोन किया था, वो कहाँ है? सर लड़की ने? हाँ। नहीं सर, दगोड़िया सर के परिवार में इनके अलावा और कोई नहीं है, दगोड़िया सर अकेले ही थे। तो सर फिर जिस लड़की ने हमें फोन किया था वो कौन थी? सर कहीं वही लड़की खूनी तो नहीं थी? नहीं श्रेया, लड़की खूनी नहीं हो सकती। लाश को उठा के ऊपर लटकाना कोई आसान काम नहीं है, ये कोई लड़की नहीं कर सकती। सर एक और बात समझ में नहीं आ रही, लड़की हमें इन्फॉर्म करने के बाद कि खून हुआ है यहाँ पे, खुद कैसे गायब हुए? डर गई होगी, और शायद इसीलिए उसने लैंडलाइन से, मेरा मतलब PCO से हमें फोन किया होगा। ऊपर जो पैसों से भरी बैग है, क्या जानते हैं आप उस पैसे वाले बैग के बारे में? दरअसल दगोड़िया सर्कल काफी परेशान थे। एक्चुअली उन्हें पता चला था कि उनके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है, और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी मीटिंग्स भी कैंसिल करवा दी थी। अच्छा, तो शायद इसीलिए पैसे ठिकाने लगाने के प्लानिंग में लगे होंगे दगोड़िया जी। बस उसी वक्त खूनी आ गया और दगोड़िया जी का काम तमाम कर दिया। ये देख रहे हो इसके गाल पर ये नीला नीला निशान? हाँ सर। तो ये देखो ये निशान दोनों तरफ, ये कोई जहर का चक्कर तो नहीं? हो सकता है सर, लेकिन वैभव ऐसा लगता है जैसे ये उंगलियों का निशान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने इसका मुंह दबाने की कोशिश की हो? इसे देख के तो ऐसा ही लग रहा है सर। पर क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी इसका मुंह खोलना चाहता हो? हो सकता है, इसका मुंह देखना चाहिए खोल के। जरा फोर्स अप देना। ये देखो इसके मुंह में ये कागज का टुकड़ा, क्या हो सकता है ये? अंकुश आनंद, ये किसका नाम हो सकता है? खूनी अपना नाम लिख करके तो कागज का टुकड़ा इसके मुंह में डालेगा? नहीं नहीं सर। फिर ये चक्कर क्या है? अरे देखो कागज के दोनों तरफ खून भी लगा हुआ है। सालुंखे, ये कागज तुझे दगोड़िया के मुंह में से मिला? हाँ बॉस, मुझे भी बड़ा ताजुब हुआ, कोई खूनी किसी के मुंह में कागज रख के क्यों जाएगा? सर ये भी तो हो सकता है कि ये कागज खूनी ने उनके मुंह में ना रखा हो, बल्कि उन्होंने खुद मरने से पहले ये कागज खूनी से बचाने के लिए अपने मुंह में खुद ही डाल लिया। हाँ सर, हो सकता है उनकी मौत इस कागज की वजह से ही हुई हो सकता है वो ना चाहते हो कि ये कागज खूनी के हाथ लग जाए, इसलिए उन्होंने इस कागज को अपने मुंह में छुपा लिया। नहीं शेर, मुझे नहीं लगता कि कागज उन्होंने खुद अपने मुंह में छुपाया, बल्कि जिस तरीके के नीले निशान उनके गालों पर पड़े हुए थे, मुझे तो ये लगता है कि खूनी ने जबरदस्ती उनका मुंह खोला और बाद में कागज उनके मुंह में ठूस दी। सड़के खून से सने कागज पर लिखा अंकुश आनंद, ये जो खून है क्या दगोड़िया के मुंह के अंदर कोई चोट के निशान या फिर कोई खून था? नहीं बस, लाश के मुंह में किसी किस्म का कोई जख्म या कोई चोट का निशान नहीं था। मुझे लगता है कि खूनी ने पहले दगोड़िया साहब को मारा और उसके बाद ये कागज उनके मुंह में रख दिया। ये जो खून लगा है कागज पे, ये खूनी का है? नहीं सचिन, ये खून दगोड़िया साहब का है, मैंने चेक कर लिया बॉस। सर इंटरनेट पे ये नाम सर्च किया मैंने, अंकुश आनंद, इस नाम के दो लोग हैं सर, एक है चेन्नई में और दूसरा नासिक में।
पता लगाओ इन दोनों के बारे में। इन दोनों में से एक का संबंध तो जरूर होगा, इस दगोड़िया के साथ जरूर होगा। हेलो, हाँ कहाँ पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर एक और खून हो गया, लेखक मुकेश कुमार का। लेखक मुकेश कुमार? मतलब एक और लेखक का खून? तो फिर जरूर इस मुकेश कुमार और दगोड़िया के खून में कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया इसका। सालों के सर, ये ग्लास बॉक्स एयरटाइट ही है ना? हाँ काविन, किसी ने इस बेचारे को इस ग्लास बॉक्स में जबरदस्ती बंद कर दिया। और क्योंकि ग्लास बॉक्स एयर टाइट बंद है, इसलिए इस बेचारे को बिल्कुल हवा नहीं मिली, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण इस बेचारे का दम घुट गया और मर गया। हाँ सर, ये इसके हाथ पे लगे हुए जख्म और ये नाखूनों का निशान और इस पे लगा खून तो यही बताता है कि इन्होंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। एक काम करते हैं, कल इस लाश को बाहर निकालते हैं। यस सर। सर, पड़ोसियों को लेकर आया हूं, इन्होंने देखा है खूनी को अंदर आते हुए। इन लोगों को क्राइम सीन पे लाने की क्या जरूरत थी? वहां पर भी तो रोक सकते हैं ना। जी कहिए, क्या देखा आप लोगों ने? सर मैं घर की बालकनी में अखबार पढ़ रहा था, तभी मैंने देखा कि एक आदमी ट्रॉली में इस बॉक्स को रखकर घर के अंदर जा रहा है। ये ग्लास बॉक्स लेके जब वो घर के अंदर जा रहा था तो उसने हाथ में ग्लव्स पहने थे? नहीं सर, ग्लव्स नहीं पहने थे। अच्छा, ये आदमी अकेला था या फिर इसके साथ कोई और भी था? वो अकेला था। तुमने उसका चेहरा देखा? स्केच बना सकते हो? नहीं सर, चेहरा तो याद नहीं। पर हाँ, उसका बायां कंधा बार बार हिल रहा था, जैसे कि कोई कपकपाहट हो रही हो। कैविन। यस सर। एक मिनट। ये देखो कैविन, इस लाश के मुंह में ही ये कागज का टुकड़ा। कहीं इस कागज के टुकड़े पे भी अंकुश आनंद का नाम तो नहीं लिखा? देखना पड़ेगा। इस पे तो रिजु कालिया लिखा हुआ। रिजु कालिया? ये तो रिजु कालिया इनकी किताब का ही एक किरदार है, और उसकी भी मौत कहानी में बिल्कुल इसी तरह से हुई थी, दम घुटने की वजह से। इसका मतलब ये अंकुश आनंद, ये भी दगौड़िया की किसी किताब का किरदार है, और ये सारा का सारा काम सीरियल किलर का है, तो एक के बाद एक लेखकों को बिल्कुल उसी तरह से मार रहा है जैसे कि लेखक अपनी कहानी में किरदार को मारता है। ऐसे ही लगता है। सालोंके सर, ये ग्लास बॉक्स पे कोई फिंगरप्रिंट्स मिले अभी तक कि नहीं? अभी कागज ढूंढा यार, फिंगरप्रिंट्स अभी ढूंढना बाकी। मैग्नीफाइंग ग्लास देना जरा। ये कैसे निशान है? कैसे निशान मतलब? पहले मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उंगलियों के निशानों पर अंग्रेजी के अक्षर छपे हुए नहीं देखे। उंगलियों के निशानों पे अंग्रेजी के अक्षर? हाँ काविन, दिखाता हूँ। ग्लास दे। ये लीजिए। पड़ोसी भी कह रहा था ये ग्लास बॉक्स लेकर जो इंसान यहाँ आया था उसने ग्लव्स नहीं पहने थे। इसका मतलब ये अनोखे उंगलियों के निशान उसी इंसान के हैं। उंगलियों पे छपे हुए अक्षर? सालों के साहब, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है फ्रेडी, बॉडी मॉडिफिकेशन के जरिए मुमकिन है। लेकिन सालों के साहब, अगर खूनी एक एक कदम फूक फूक के रख रहा है तो फिर उसने हैंड ग्लोव ना पहनने की गलती कैसे की? क्योंकि ये गलती नहीं है बल्कि जानबूझ के किया गया है।
ये सीरियल किलर अपने हर खून पे अपना सिग्नेचर छोड़ रहा है इन अनोखे उंगलियों के निशान के जरिए। हाँ, और इस तरह के निशान हर आदमी अपनी उंगलियों पर बनवा भी नहीं सकता, और इस तरीके के निशान हर जगह बन भी नहीं सकते। इस शहर में ऐसे बहुत कम टैटू पार्लर हैं जहां इस तरीके का बॉडी मॉडिफिकेशन होता, बहुत कम। यस, ये बॉडी मॉडिफिकेशन आपने किया है? नो सर। अभी बिजी हूं मैं, बाद में आना। हम भी बहुत बिजी रहने वाले लोग हैं, बाद में आने का वक्त नहीं है हमारे पास। बिना अपॉइंटमेंट के आ रहे हो? मैं तुम्हारा टैटू नहीं बनाऊंगा। सीआईडी शिवा, बाद में आना। क्या हुआ सर, मैंने कुछ किया क्या? शहर में कुछ खून हो रहे हैं। खून? किताब लिखने वाले लेखकों के। लेखकों के? पर मैं तो टैटू आर्टिस्ट हूँ सर, मेरा क्या लेना देना इससे? हो सकता है कुछ लेना देना हो। मैं समझा नहीं सर। बॉडी मॉडिफिकेशन भी करते हो ना तो? जी हाँ सर, मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं दिखाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, ये फोटो ध्यान से देखो। ये त्रिकोण वाली कलाकारी तुमने दिखाई थी किसी के हाथ पे? जी हाँ सर, मैंने की थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये किलर होगा सर। पता है, डरो मत। हाँ, लेकिन इस इंसान की कोई ना कोई डिटेल तो जरूर होगी तुम्हारे पास, है ना? जी हाँ सर, मैं एक मिनट में लेके आता हूँ सर। जी हाँ सर, देखिए सर, त्रिकोण अनुकरण नाम है इसका। त्रिकोण अनुकरण? ये किसी आदमी का नाम है या किसी एनजीओ का? त्रिकोण मतलब ट्रायंगल और अनुकरण मतलब किसी की नकल करना। मतलब कोई ट्रायंगल बना के किसी की नकल कर रहा है? शायद त्रिकोण नाम का कोई पुराना सीरियल किलर रहा हो जिसकी नकल ये वाला खूनी कर रहा है। एक काम करते हैं, अपनी डेटाबेस में चेक करते हैं कि त्रिकोण नाम का कोई क्रिमिनल था क्या। हाँ निखिल, त्रिकोण नाम का सीरियल किलर कहाँ पे, कौन सी जेल में है? शांति नगर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो, एक त्रिकोण का पता तो चला है जो ठीक उसी ढंग से लेखकों का खून करता था जैसे अभी हो रहा है, लेकिन वो पिछले 4 साल से जेल में है। मतलब या तो ये खूनी जेल से बाहर निकल के मार रहा है या फिर कोई त्रिकोण की नकल कर रहा है। अब जी, सारांश। सारांश? सारांश? नहीं अंकल, मैं तो अभिषेक हूँ। माफ करना, हम इसे कोई और समझ बैठे। सर 15 दिन हो गए, अखबार न्यूज़पेपर्स हर जगह कोशिश कर ली, मगर सारांश हमें मिला ही नहीं सर। मिलेगा पंकज, जरूर मिलेगा। मेरा दिल बोल रहा है सारांश हमें जरूर मिलेगा। सर, ये लोग सीआईडी से हैं। आइए आइए सर, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। त्रिकोण से मिल सकते हैं हम लोग? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर सर, मुझे नहीं लगता कि त्रिकोण ये सारे खून कर रहा है, क्योंकि इस जेल से बाहर निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अच्छा, इस त्रिकोण का स्वभाव कैसा है अभी यहाँ इस जेल में? हिंसक और खतरनाक ही है या? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत ही शांत और सुलझा हुआ है। मैं तो खुद चाह रहा था कि सरकार से अपील करूं कि उसकी सजा माफ कर दी जाए। अब ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि कोई उसकी नकल करके खून कर रहा है? हाल ही में कोई आया था उसे जेल में मिलने के लिए? नहीं सर, आप तो जानते हैं कि वो स्पेशल सेल में है, और स्पेशल सेल में बाहर वाला तो क्या, कोई जेल का कैदी भी उससे नहीं मिल सकता। चलिए जरा मिल लेते हैं। त्रिकोण, देखो तुम्हारे लिए आज कितने खुशी का दिन है, इतने सालों के बाद तुमसे सीआईडी वाले मिलने आए। क्या बात है जेलर साहब, आज आपका कानून मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है? मेहरबान नहीं हुआ, बस ये समझ लो कि तुमसे ये पूछने आए कि जेल में बैठे बैठे तुमने दोबारा खून करना कैसे शुरू कर दिया। कमाल है आप लोगों का भी, इतने सालों से मुझे इस जेल में कैद करके रखा है, लेकिन शक करने की आदत आप लोगों की गई नहीं।
तो फिर कौन है वो जो बाहर लेखकों के खून कर रहा है ठीक तुम्हारी तरीके से और तुम्हारी तरीके से कंधे उचकाता है? कौन हो सकता है जो मेरी तरह खून कर रहा है? शायद तुम्हारा कोई परिवार वाला, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार। कोई नहीं है मेरा, बचपन अनाथालय में बीता है और जवानी जुर्म की सड़कों पर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे खून करने के तरीके के बारे में किसी और को मालूम नहीं है? किसी को नहीं। तुम्हें किसी पे शक है? देखो जो कुछ मालूम है बता दो, शायद हम किसी की जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाए। क्या आपकी मदद करने से मेरी सजा कम हो सकती है? वादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारी मदद से हम उस नकलची खूनी को पकड़ लेंगे तो दरख्वास्त जरूर करेंगे सरकार से तुम्हारी सजा कम हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने शब्द भविष्य में आगे जरूर याद रखेंगे। मुझे लगता है कि वो मेरे लेखन पढ़ के ठीक उसी तरह खून कर रहा है। तुम्हारा लेखन? हाँ, पढ़ते पढ़ते कभी याद ही नहीं रहा कि मुझे भी लेखन का शौक हो गया है और मैं लिखने लगा। हर रोज रात को सोने से पहले मैं अपने विचार उस डायरी में व्यक्त करने लगा। मतलब मारने का प्लान, मारने का तरीका, उसका नाम, सब कुछ तुम उस डायरी में लिखते थे? जी हाँ, मुझे लगता है कि वो डायरी उसके हाथ लग गई और वो मेरे विचारों से प्रभावित होकर ठीक उसी तरह जुर्म के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। कहाँ रखी, कहाँ थी तुमने वो डायरी? अनाथालय में छोड़ आया हूँ अपने अतीत के वो पन्नों को। जी मैं सुरेश बोल रहा हूँ, जी के नगर अनाथालय से। वो जो आप बच्चों की किताबें भेजने वाले थे? ठीक है, मैं शाम को अकेले लूंगा। हाँ जी नमस्ते, कहिए। सीआईडी? क्या बात है सर? जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं उसका संबंध त्रिकोण से है। त्रिकोण? मुझे पता था कि एक न एक दिन त्रिकोण की वजह से यहाँ पुलिस या सीआईडी जरूर आएगी। क्या पहले से ही जानते थे कि त्रिकोण गुनाह के रास्ते पर चलने वाला था? नहीं, उसे तो यहाँ से निकले हुए जमाना हो गया। जब वो यहाँ आया था तब सिर्फ 12 साल का था। तो क्या वो बचपन से ही हिंसक स्वभाव का था? नहीं सर, हिंसक स्वभाव का तो नहीं था, लेकिन वो घंटों घंटों एकांत में बैठना पसंद करता था। किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। मतलब वो अकेले बैठ के सिर्फ किताबें पढ़ता था? आपको कैसे पता सर? क्योंकि हम मिल चुके हैं उससे, फिलहाल वो जेल में है। ज्यादातर अपराधों के ही किताबें पढ़ा करता था वो। किताबों के पन्नों में डूबकर एक अलग ही दुनिया में चला जाता था। किताबों के किरदारों से बातें करने लगता था कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी कभी तो मैं डर जाता था कि इसका ये जुनून एक मानसिक बीमारी ना बन जाए। आपका डर बिल्कुल ठीक निकला। उसके इसी मानसिक बीमारी ने उसे मजबूर किया उन लेखकों को मारने पे जिनके उपन्यास वो पढ़ता था और जिनके लेखन से वो काफी प्रभावित था। उन लेखकों को बिल्कुल वैसे मार रहा है जैसे उन्होंने उपन्यास में किरदारों की मौत लिखी है। मुझे इस बात से जरा भी हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर उसका कोई पसंदीदा किरदार उपन्यास में मर जाता तो चीख चीख कर रोता। लेकिन अब तो जेल में है ना, तो आप लोग यहाँ क्यों? देखिए लेखकों के फिर से खून हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे त्रिकोण करता था। मतलब त्रिकोण जेल से भागकर फिर से खून कर रहा है? नहीं नहीं, त्रिकोण तो अभी भी जेल में है, कोई और है जो त्रिकोण की तरह नकल करके लेखकों का खून कर रहा है। किसी पे शक है आपको? नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है। चलो ठीक है, मगर त्रिकोण यहाँ पर जिस कमरे में रहता था, क्या वो कमरा हम देख सकते हैं? सर वो तो बहुत पुरानी जगह है, अब वहाँ कोई नहीं रहता है। फिर भी ठीक है सर, आइए। तो ये है त्रिकोण का कमरा। मैनेजर साहब, त्रिकोण के पास एक डायरी हुआ करती थी, कुछ जानते हो उस डायरी के बारे में? नहीं सर, हमें तो ऐसी कोई डायरी नहीं मिली। वैसे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे कुछ पुरानी किताबें पड़ी है, शायद उसमें हो। देखो फ्रेंड, किताबों को ऐसे क्यों रखा गया, संभाल के क्यों नहीं रखा? ऐसे तो दीमक खा जाएंगे इसे। माफ करना सर, दरअसल इस कमरे की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सर डायरी तो दिख नहीं रही। लेकिन मुझे कुछ दिख रहा है सर। क्या? सर ये ईंट देखिए दीवार पे, बिल्कुल अलग है। पूरी दीवार में जितनी ईंट है उससे अलग है। दया जरा देख लो। सर वो केस याद है ना आपको?
दीवार से लाशें निकलने वाला केस, कहीं इस केस में भी ऐसा ही कुछ? डायरी ढूंढ रहे हम, समझे? लाशें नहीं। नहीं फ्रेडी, यह लाश तो दूर एक किताब भी नहीं रख सकते हैं। सर, ये फाइल कार्ड है। हाँ, त्रिकोण। मतलब वो नकलची खूनी डायरी निकाल के ले गया। अभिजीत, ये जरूर त्रिकोण के डायरी का कवर है। मतलब यहाँ जो भी आया था वो जानता था कि त्रिकोण ने अपनी डायरी कहाँ छुपा के रखी है। ये यहाँ त्रिकोण के बाद में कोई रहता था? हाँ सर, एक लड़का रहा करता था, सुंदर नाम था उसका। ये सुंदर बाद में भी कभी आया था यहाँ इस कमरे में? हाँ सर, आया था। महीने भर पहले वो मुझसे मिलने आया था और कुछ दिन यहाँ रहा भी हो, अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए। अच्छा, सुंदर। सुंदर का पता तो होगा ना आपके पास? वाह भाई वाह, कितना आलीशान घर बनाया सुंदर ने। अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या आलीशान राज छिपा रखे हैं सुंदर ने। दरवाजा तो खुला हुआ है, कहीं भाग तो नहीं गया सुंदर? लगता है कुछ गड़बड़ है। सुंदर! ओह माय गॉड, वो देखो। लगता है ये मर चुका है। गोली मारकर जान ली है इसकी, वो भी तीन तीन गोलियां। खून भी गीला है, मतलब कातिल आसपास ही है, यहीं कहीं। गोली चलने की आवाज इस तरफ से, चलो देखते हैं। देखो से। सुंदर जी, हाथ ऊपर। माय गॉड, खूनी बार है। दिव्या विषम, पकड़ो उसे। लगता है ये हमें कुछ बताना चाहते हैं। हाँ कभी। यहाँ बॉम्ब है, सिर्फ 30 सेकंड बाकी है, निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो जल्दी, चलिए चलिए। मैं मेरी मीना को ऐसा छोड़ के नहीं जा सकता। मीना, मीना! अरे रुक जा, मर जाएगा। लगता है बीवी और नौकर के साथ साथ सुंदर जी भी मारे गए। सर, आप लोग ठीक तो हैं? सर हाँ, हम सब ठीक है। उस खूनी का क्या हुआ? सर वो निकल गया। निकल गया? वाह, बस अब तुम लोग समझ पाने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। वो आदमी तुम्हारे हाथ से निकला और ब्लास्ट में मर गया। वाह। हाँ सर, सर वो सुंदर की पत्नी और नौकर को तो पहले ही मार चुका था, बस वो यही चाहता था कि सुंदर भी मर जाए और हम ये केस बंद करते हैं। सचिन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि सुंदर असली सीरियल किलर नहीं है? नहीं सर, सर उस किलर को हमने भागते हुए देखा सर, हम लोग उसे पकड़ नहीं पाए। सर एक बात और, जब वो भाग रहा था तो अपने कंधे को बार बार झटक रहा था सर। असली किलर भागते हुए कंधे झटक रहा था, सुंदर असली किलर नहीं है, तो फिर ये असली त्रिकोण का अनुकरण करने वाला, उसकी कॉपी करने वाला त्रिकोण अनुकरण, ये जो भी कोई है जो हमें फंसाने की, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इससे तो अब हम उसी की खुद के ही जाल में फंसा देंगे। हेलो, एक और खून? लेखक कुशल, ठीक है माता। लेखक कुशल का खून? ये त्रिकोण अनुकरण तो खून पे खून किए जा रहा है। लेकिन सर, ये त्रिकोण अनुकरण एक के बाद एक लेखकों को ही क्यों मार रहा है? वही तो फ्रेडी, वही तो। तीन तीन लेखकों को मार चुका है ये त्रिकोण अनुकरण। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है।
कोई ना कोई राज है जो असली त्रिकोण हमसे छुपा रहा है। सुंदर बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया? हाँ, और उसके बाद एक और लेखक कुशल का भी खून हो गया। अभी तो आप कह रहे थे कि सुंदर ही वो नकलची खूनी है, अगर सुंदर मारा गया तो फिर कुशल को किसने मारा? बंद करो ये ड्रामा, समझे? सुंदर के घर के बाहर जो मुजरिम भाग रहा था वो भी अपने कंधे को वैसे ही झटक रहा है जैसे तू झटक रहा है। अब ये बताओ कि तुम इस जेल से बाहर जाते कैसे हो? राज क्या है इसके पीछे? सर, कैसी बातें करते हैं आप हैं? आम जेल से कैदी का भागना इतना मुश्किल है, तो फिर आपको लगता है कि मैं इस खास जेल से इतनी पहरेदारी होने के बावजूद भाग सकता हूँ? तुम्हारे अनाथालय वाले कमरे में सुंदर के अलावा कोई और नहीं रहा था, तो वो डायरी किसी और ने कैसे पढ़ी? किसी ने वो डायरी पढ़ी या नहीं पढ़ी ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरी डायरी में अगला नाम उस कुशल का था जिसे मैं मारना चाहता था। मतलब उस लिस्ट में किस किस के नाम है तुम्हें अभी भी याद है? जी, मेरे पास लिस्ट है, आप चाहें तो मैं उसकी एक कॉपी दे सकता हूँ। पहले देना चाहिए था, शायद कुशल की जान बच जाती। मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, आशा करता हूँ कि आगे किसी और की जान नहीं जाएगी। दीपक, आखिरी नाम दीपक है। खून किया है तुमने, खून खून मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं तो एक मामूली सा लेखक हूँ। शेखर, भूल गए शेखर को? कौन शेखर? मैं किसी शेखर को नहीं जानता। तुम्हारी किताब खूनी मंजिल का किरदार शेखर। अरे पागल हो गया क्या? वो कोई असली में शेखर इंसान थोड़ी ना है, वो तो मेरी कहानी का एक कैरेक्टर है, मेरा पात्र है वो। चल राइटर साहब, आपको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, आप इस तरह जल्दी करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, अब आप भी जरा इस दर्द को महसूस करिए। आज ये नकलची लंगूर हमारे हाथ से बचेंगे नहीं। ये कौन आ गया? कोई शराबी होगा सर, इसकी वजह से हमारा खून ही हाथ से निकल जाएगा। इनका तो बहुत खून भरा है सर, वो फोटोज कैसी है? फोटोज? एक सेकंड। ये देखो, ये तस्वीर है केसी डगोडिया के क्राइम सीन की तस्वीर है इनके पास। ये फोटोज इसके पास कैसे आए सर? ये कोई जर्नलिस्ट या रिपोर्टर तो नहीं? जर्नलिस्ट को तो वहां अंदर आना अलाउ नहीं किया था सर। इसका मतलब ये हमारे पहुंचने से पहले वहां पहुंच गई थी। हो सकता है पंकज, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसने हमें फोन करके बुलाया था? इसका होश में आना बहुत जरूरी है। दिव्या, पानी की छींटे डालो। मैडम, आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम लोग CID से हैं। ये तस्वीरें आपके पास कहाँ से आईं? देखिए मैडम, जो भी आपको पता है हमें सब साफ साफ बता दीजिए, वरना इन लेखकों के खून में आप फंस जाएंगे। देखिए सर, मैं तो डगोरिया साहब की असिस्टेंट हूँ, वो मेरी मदद कर रहे थे मेरा पहला क्राइम नॉवल लिखने में, लेकिन उस दिन जब मैं उनके यहाँ पहुँची तो उनका खून हो चुका था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक नॉवल लिखूँ, बस इसीलिए मैं आप लोगों का पीछा कर रही थी, ये जानने के लिए कि आप लोग कातिल को कैसे पकड़ेंगे।
आप हमारा पीछा कर रही थी, इसका मतलब आप जानती थी कि हम कौन है। हाँ। नॉवल में ये भी लिख देना कि तुम्हारी वजह से खूनी हमारे हाथ से निकल गया। देखिए सर, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। वो मेरी गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो गया था, इसीलिए। सुनिए, अगर आपकी इस गलती की वजह से दीपक को अपनी जान गंवानी पड़ी ना, तो ये कानून आपको कभी माफ नहीं करेगा। मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जाने ही तो दे रहा हूँ तुझे, बहुत जल्द तू भी शेखर के पास पहुंच जाएगा। इसी तरह कुर्सी पर बांध कर मौत दी थी ना तूने उसे, अब तोहफे में तुझे भी यही मौत मिलेगी। बस थोड़ा सा इंतजार, इस मौत के उपन्यास का लेखक रचयिता भी आ रहा है तेरा साथ देने के लिए। त्रिकोण। सर जेलर साहब अंदर नहीं है, जरा बुलाओ ने, हमें त्रिकोण से मिलना है। सर जेलर साहब तो त्रिकोण को लेकर हॉस्पिटल गए हैं, उसे अचानक से दिल का दौरा आया है। दिल का दौरा? कौन सा हॉस्पिटल ले गए? अरे आप लोग, त्रिकोण कहाँ है? आईसीयू में है, क्या बात हो गई? झूठ बोलता है वो हमसे, अब भी कुछ है जो हमसे छुपा रहा है। चलिए दिखाइए। आइए। कहाँ है ये त्रिकोण, कहाँ है? अभी तो यही था, कहाँ चला गया? सर कहीं वो हॉस्पिटल से भाग तो नहीं गया दीपक को मारने के लिए? भाग कैसे सकता है, यहाँ कौन था, कौन वार्ड बॉय था यहाँ पे? सर मकरंद था। ये जीत तो बेहोशी की दवाई है। अब जीत ये देखो, मकरंद का पैर नीचे गिरा पड़ा है, ये बेहोशी की दवाई, कहीं मकरंद को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं सर, अभी कुछ देर पहले ही देखा मैंने उसे, किसी मरीज को हॉस्पिटल के बाहर लेके जा रहा था वो। ये मकरंद अभी वापस आएगा? नहीं सर, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। इसमें कहाँ मिलेगा वो? सर दारू के ठेके पे। अच्छा तो ये है मकरंद जी। हाँ सर, ये बार में बैठ के अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और अपने जुर्म के किस्से चटकारे लेकर सुना रहा था सर, तो हमने सोचा क्यों ना इसे ब्यूरो में ले चले, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करें। वाह 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 सचिन, ये तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया। क्यों मकरंद जी, अब हमें भी सुनाओगे ना अपने कारनामों की कहानियां? क्यों बताओ। साहब मुझे 1,00,000 रुपए दिए गए थे उस मरीज को अपने वार्ड से बाहर लाकर गाड़ी में बिठाने के लिए। क्या? हाँ साहब। 1,00,000 रुपए के लिए अपने आप को बेच दिया तुमने? किसने दिए थे पैसे तुम्हें? सब ये मत पूछे, अगर उसे पता चला कि मैंने उसका नाम बता दिया तो वो मुझे। अच्छा तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ेंगे और खातिरदारी करेंगे हम तुम्हारी? ऐसी खातिरदारी कि जिंदगी भर याद रखोगे, क्यों सचिन? बिल्कुल सर। अरे नहीं नहीं साहब, इसकी क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ ना साहब, बताता हूँ मैं। फिर बताओ जल्दी, ढूंढो इस घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कहीं छुप कर बैठा है क्या, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। ये देखिए सर, ये कैबिनेट के पीछे कुछ रखा हुआ था। कागज? हाँ सर, पेपर्स ही है। डायरी के पन्ने हैं? अरे ये तो त्रिकोण की डायरी के पन्ने हैं, यही तो हम ढूंढ रहे थे उस अनाथ आश्रम में। माय गॉड, क्या हुआ सर? श्रेया इसमें लिखा है कि दीपक वो आखिरी लेखक है, दीपक जिसकी वो जान लेना चाहता है। इसका मतलब दीपक की जान को खतरा है? सिर्फ दीपक की जान कोई नहीं, उसके अपनी जान को भी, क्योंकि दीपक को मारने के बाद लगता है उसकी जिंदगी का मकसद पूरा होता है और फिर
वो अपनी जान खत्म करना चाहता है। मतलब सर, इस नकलची खूनी ने त्रिकोण को सिर्फ इसलिए अगवा किया हॉस्पिटल से ताकि वो उसे मार सके। और फिर वो उन दोनों को वहीं पे मारेगा सचिन, वहीं पे मारेगा जहां से लेखन शुरू हुआ है, उस अनाथ आश्रम में, उस अनाथ आश्रम के कमरे में। ये ठीक नहीं है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मैं अंजाम की फिक्र कब से होने लगी त्रिकोण, और ये सारा खेल तो तुमने ही रचा था। मैं तो बस इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा रहा हूँ। मुझे अपने द्वारा रचे इस गुनाह की गहराई का अंदाजा हो गया है। हम दोनों को मारकर भी तुम्हें वो शांति नहीं मिल सकती जिसके लिए मैंने इतने खून किए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि ये सारे खून त्रिकोण ही कर रहा है। बहुत देर हो चुकी है त्रिकोण, तेरे प्रवचन अब ना तो तेरी जान बचा सकते हैं और ना ही दीपक की। नहीं चला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुझे मैं बिल्कुल वैसे ही मारूंगा जैसे त्रिकोण ने अपने उपन्यास में लिखा था। नहीं, नहीं, नहीं चला, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। बस हो गया तुम्हारा खेल। अब अगर कोई हरकत की ना तुमने, तेरा वो हाल करेंगे तो सोच भी नहीं सकता। सीआईडी, तो आखिर मेरा भेद खुल ही गया, तो अब तुम लोग मुझे फांसी पर चढ़ाए बिना तो छोड़ोगे नहीं, तो क्यों ना मैं फांसी पर चढ़ने से पहले इन दोनों को मार के अपना मकसद पूरा कर लूं। जेलर साहब उर्फ त्रिकोण अनुकरण, बहुत झोंक लिया दुनिया की आंखों में धूल। आगे की कहानी हम तुमसे ही सुनेंगे। बताओ जल्दी, क्यों मारा तुमने? मैं जानता था मेरे लेखन में वही आकर्षण है, वही शक्ति है जो उन लेखकों के लेखन में थी जिनका मैंने खून किया। और इसीलिए त्रिकोण ने मुझे इसके अनाथालय भेजा ताकि इसकी डायरी के बहाने मैं इसका लेखन पढ़ सकूं और इसका फैन हो जाऊं, और ऐसा फैन हो जाऊं कि ये मुझसे जो चाहे वो करवा सके। जेलर साहब को फैन बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही इरादा था, ताकि मैं अपनी सजा कम करा सकूं। इसलिए मैंने अपने हिसाब से इन्हें खून करने पर मजबूर किया ताकि मैं आप लोगों की मदद से सुंदर को पकड़वा सकूं और अपनी सजा कम करा सकूं। और सुंदर को बलि का बकरा बनाने के बाद मुझे इस बात का अंदेशा हुआ कि त्रिकोण का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसके लिए कुशल, दीपक और त्रिकोण की जान लेना भी जरूरी है। तो मैंने त्रिकोण के खाने में एक दवा मिला दी जिससे इसको दिल का दौरा पड़े, और फिर मैं इसे अस्पताल से अगवा करके इसको इसकी मंजिल तक पहुंचा सकूं। अगर सीआईडी को सुंदर की लाश मिल गई तो शायद वो सीरियल किलर को ढूंढना बंद कर दें। मगर फिर त्रिकोण के उस सपने का क्या होगा? उन सब लेखकों को मार के मोक्ष प्राप्त करने का सपना? नहीं, मैं पूरा करूंगा त्रिकोण का वो सपना। मैं त्रिकोण को गुमराह होने नहीं दे सकता। उन सब लेखकों को मैं मारूंगा और फिर उसके बाद त्रिकोण को भी मैं जिंदगी की जंजीरों से मुक्त कर दूंगा जैसा कि वो चाहता है। सुंदर के मरने के बाद आप लोग कुशल की मौत की खबर लेकर आए तो मैं समझ गया ये जेलर किसी को नहीं छोड़ेगा, एक एक करके सबको मार देगा और अंत में मुझे मार देगा। तो और क्या करता, तुम्हारे लेखन में कशिश इतनी है। फिर मैं समझ गया, अगर मुझे बचना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, सीआईडी को तुम तक पहुंचाना, दीपक के घर। वाह रे वाह, कानून का रखवाला, वाह। और ऐसा घिनौना काम एक मुजरिम का साथ दिया तुमने। मैं जानता था कि सीआईडी कभी ना कभी पूरा सच जान लेगी, मगर मैं क्या करता, इसके लेखन के आगे मैं बेबस हो गया था और इसके शब्दों के माया जाल में मैं एक खूनी बन गया, एक सीरियल किलर। चुप, बकवास बकवास है सब। तुम दोनों ने मिलकर कितने सारे मासूम लोगों की जानें ली। तुम्हें तो जीने का कोई हक ही नहीं, कानून तो तुम दोनों को फांसी ही देगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.